अरे भाई, किसी को नौकर की जरूरत है क्या? किसी को नौकर चाहिए क्या? अरे भाई, किसी को नौकर की जरूरत है क्या? अरे भाई, किसी को नौकर चाहिए क्या? क्यों मियाँ, तुम क्यों हंस रहे हो? अरे मियाँ, तुम्हें देखकर तो मैं ही नहीं, सारी दुनिया हंसेगी। क्यों मियाँ, क्यों हंसेगी दुनिया? वो इसलिए, जिस मेकअप को आप करके जा रहे हो उस मेकअप को तो औरतें करती हैं। अरे मियाँ, ये मेकअप नहीं है। तो ये हमारे नाक कान कटे हुए हैं। क्या? हाँ मियाँ। अबे नक कटो कन कटो, किसने तुम्हारा ये हाल किया? काजी ने। काजी ने? हाँ मियाँ। कौन काजी? यहाँ का एक बहुत बड़ा आदमी है, हम उसके यहाँ पर नौकरी करते थे, उसने हमारे नाक कान काट लिए मियाँ। जब तुम उसके घर नौकरी करते थे तो उसने तुम्हारे साथ ये गुस्ताखी क्यों की? काजी बड़ा चालाक आदमी है, जब नौकर रखता है तो उस पर शर्त पहले लगा देता है। शर्त लगा देता है? क्या शर्त लगा देता है मियाँ? वो शर्त रखता है, अगर तुम नौकरी छोड़कर भागोगे तो तुम्हें अपने नाक कान कटवाने पड़ेंगे। अच्छा। और अगर वो तुम्हें नौकरी से निकालेगा तो वो अपने नाक कान कटवा लेगा। बड़ा कमकता आदमी है, अजीब शर्त है उसकी। खैर, तुम मुझे बताओ उसका घर कहाँ है? क्यों मियाँ, क्या तुम्हें भी अपने नाक कान कटवाने हैं क्या? तुम मुझे उसका पता बतलाओ, ये तो वक्त ही बताएगा कि कौन किसके नाक कान काटता है। तो मियाँ, तुम ऐसा करो, इसी रास्ते पर थोड़ी दूर बाएं तरफ उसका 5वां मकान है, चले जाओ। ठीक है, तुम निकल लो, निकल लो, नकटो कनकटो। एंजी, सुनते हो? अरे बेगम, क्या बात है, क्यों इतना शोर मचा रही हो? ईमान से मैं तो तंग आ गई हूँ, मुझसे घर का कोई काम नहीं होगा, जल्दी से जल्दी किसी घरेलू नौकर का इंतजाम कर लो। अम्मा बेगम, हम तुम्हारे लिए कितने नौकर बदल चुके हैं, पर साला कोई 2-4 दिन से ज्यादा टिकता ही नहीं। खैर, हम जल्दी इंतजाम करेंगे। अरे भाई, किसी को नौकर की जरूरत है क्या? किसी को नौकर चाहिए क्या? है किसी को नौकर की जरूरत? किसी को नौकर की जरूरत है क्या? किसी को नौकर की जरूरत है क्या? देखो देखो, बाहर कोई नौकरी की तलाश में घूम रहा है, जरा इससे बातें करके देख लो। हाँ बेगम, आवाज तो हमें भी सुनाई पड़ रही है, देखते हैं क्या होता। किसी को नौकर चाहिए क्या? किसी को नौकर चाहिए क्या? अरे किसी को नौकर की जरूरत है क्या? अरे मियाँ सुनो। हैं? ये तो वही है जिसको अपनी बेगम की आंखों में संसार दिखाई दे रहा था, और इसकी बेगम ने मेरे गधे को धोखेबाज बताकर मेरा बेवकूफ बनाया था। अरे मियाँ, लगता है हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं, कहीं तुम्हारा नाम शेख चिल्ली तो नहीं? हाँ बड़े मियाँ, मैं शेख चिल्ली हूँ। अरे ये तो वही है जो उस दिन। हाँ बेगम, ये वही शेख चिल्ली है। तुम नौकरी करोगे? नौकरी तो मैं जैसी करूंगा वैसी करूंगा, पर तुझसे तो मुझे पुराना हिसाब चुकता। अरे भाई, बेगम पूछ रही है, तू नौकरी करेगा? हुजूर, नौकरी के लिए ही तो घर से निकला हूँ। तो फिर ठीक है, आ इधर, समझ ले तेरी नौकरी पक्की। भाई हमारे यहाँ तुझे नौकरी तो मिल जाएगी, परंतु हमारी कुछ शर्तें हैं, वो भी लिखित में। हुजूर, आप अपनी शर्तें बताइए। ठीक है, हम
अभी लिखते हैं। तुम्हारा नाम? हुजूर शेख चिल्ले। उम्र? 23 वर्ष 6 महीने 5 घंटे 36 मिनट और 3 सेकंड। मियां, काम के आदमी लगते हो। आगे आगे देख ना खबीस, क्या होता है। हाँ तो हमारी शर्त है, सुन ले मियां, हमारी शर्त। अगर तुम खुद नौकरी छोड़कर भागोगे तो तुम्हें अपने नाक कान कटवाने पड़ेंगे और तनख्वाह भी कट जाएगी। मैं भी तैयार होकर आया हूँ। क्या मतलब? मतलब ये हुजूर, हमें मंजूर है। हुजूर, मैं कुछ पूछ सकता हूँ? हाँ हाँ, कौन नहीं। अगर आप मुझे नौकरी से निकालेंगे तो? मियाँ, हम बहुत खुददार आदमी हैं। अगर हम तुम्हें अपने यहाँ से निकालेंगे तो हम अपने नाक कान कटवा लेंगे और तुम्हारी पूरी तनख्वाह देंगे। जी ठीक है हुजूर, और तनख्वाह क्या मिलेगी? इसके लिए हम तुम्हें 60 रुपया और रोटी कपड़ा देंगे मियाँ। हमें मंजूर है, इंशाल्लाह हम आज से ही अपना काम शुरू किए देते हैं। आप हमें काम समझा दीजिए। हाँ काम समझ लो, तुम्हें हमारी बेगम की सेवा करनी है और हमारे बच्चों की देखभाल करनी होगी। इसके साथ साथ हमारे खेतों का भी काम करना होगा मियाँ, बाकी वही जो सब घर में काम होते। मैं सब करूँगा हुजूर, और बड़े इत्मीनान से करूँगा। अबे शेख चिल्ले! आया हुजूर। कहिए हुजूर। अबे खलील को पखाना आ रहा, जल्दी से इसे पखाने के लिए ले जा। ठीक है हुजूर, मैं मियाँ खलील को अभी पखाना करा के लाता हूँ। काजी ने सिर्फ पखाने का हुक्म दिया है, पेशाब का नहीं। देखवे खलील के बच्चे, तेरे अब्बू ने मुझसे केवल पखाना करा कर लाने को कहा है। अगर तूने पखाने के साथ साथ पेशाब कर दिया तो तेरे नाक कान काट लूंगा। अच्छी तरह समझ लियो मेरी बात। कैसे करूं बिना पेशाब? बिना पेशाब की तो पखाना आ ही नहीं रहा, और अगर पेशाब आ गया तो ये मेरे नाक कान काट लेगा। खलील मियां, निवट लिए हो तो चले, रात होने वाली है, या फिर सुबह का पखाना भी करके चलो। आता हूँ। देखता हूँ कहीं इस हरामी ने दोनों काम एक साथ तो नहीं कर लिए। इसने तो पखाना किया ही नहीं। खैर कोई बात नहीं, चलो खलील मियां घर चलते हैं। एक चिल्ली, करा लाया खलील को पखाना? बड़े इत्मीनान से। अमा बेगम, घर में कुछ जल रहा है क्या? नहीं तो जी, कुछ भी नहीं जल रहा। क्यों? ईमान से बदबू के मारे मेरी नाक फटी जा रही है, जरा देखिए क्या जल रहा है। अभी देखती हूँ, घर में तो कुछ भी नहीं जल रहा, पर बदबू तो बहुत ज्यादा आ रही है। मुझे ऐसा लगता है कहीं खलील के बिस्तर से तो बदबू नहीं आ रही। देखती हूँ। अबे कैसे कर रही हो? इस खलील के बच्चे ने बिस्तर में ही पखाना कर दिया। ए ये कैसा हुआ, उठाओ इसको। क्यों रे, खड़ा हो? जब तुझे शेख चिल्ली के साथ पखाना करने भेजा था तो तूने पखाना बिस्तर में कैसे कर दिया? अम्मी जान, मुझे शेख चिल्ली ने पखाना करने नहीं दिया। शेख चिल्ली ने पखाना नहीं करने दिया? हाँ अब्बू। क्यों बेटे, क्या कहा उसने? उसने कहा पखाने के साथ साथ पेशाब मत करना, अगर पेशाब किया तो मैं तेरे नाक कान काट लूंगा। उसकी ये मजाल, जो मेरे बेटे के नाक कान काटे। चिंता मत करो बेगम, हम उसकी अभी खबर लेते हैं। शेख चिल्ले! अबे शेख चिल्ले, अरे कहां मर गया कमबख्त? जी हुजूर आया।
हजूर के बच्चे, तूने खलील को पखाना नहीं करने दिया? सरासर इल्जाम है हुजूर, मैं तो इसे पखाना कराने ले गया था, इसने पखाना किया ही नहीं, इसमें मेरी क्या गलती है? अबे ये बता रिया कि पखाना करते समय तूने इससे कहा था कि पेशाब मत करना वरना तेरे नाक कान काट लूंगा? जी बिल्कुल। अबे तो नामुराद ये बता, बिना पेशाब किए पखाना आ कैसे सकता है? भूल रहे हो हुजूर, ये बात आपको पहले बतानी थी, आपने सिर्फ पखाने का हुक्म दिया था, पेशाब का नहीं, तो मैं आपका हुक्म कैसे तोड़ सकता था हुजूर? अरे बेवकूफ, तू कहां से हमारे सर पड़ गया? अबे दूर हो जा मनहूस मेरे सामने से। लो जी, दूर हो जाते। आपने किस पागल को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया, इसे भगा क्यों नहीं देते? बेगम, हम इसे भगा भी तो नहीं सकते, शर्त के मुताबिक अगर हमने इसे निकाल दिया तो हमें अपने नाक कान कटवाने पड़ेंगे। तो फिर इससे कोई ऐसा काम बताओ जिसे ये तंग आकर खुद ही भाग जाए। बेगम यही सोच रहा हूँ, इसे ऐसा अटका दूंगा कि भागने को खुद ही मजबूर हो जाएगा। मियाँ शेख चिल्ले। जी हुजूर। अबे तुम ऐसा करो, एक टोकरा लेकर चले जाओ जंगल में और वहां से चिकनी मिट्टी खोद कर ले आओ, मैं कचहरी को जा रहा हूँ। ठीक है हुजूर, आप चले जाओ कचहरी। और हाँ बेगम साहिबा, जिस काम की कहें उसे वैसा ही करना जैसा वो कहें। जी हुजूर, वैसा ही होगा। यहीं से चिकनी मिट्टी भर लेता हूं। बेगम साहेबा, बेगम साहेबा, मिट्टी ले आया हूं, बताओ इसे कहां डाल दूं? ओहो कितनी जोर से चिल्ला रहा है, बताओ मिट्टी कहां डाल दूं? डाल दे, मेरे सर पे डाल दे। ठीक है जी, लो। हाय अल्लाह, हाय अल्लाह, मर दिया रे, मर दिया रे, मैं तो मर गई, मर गई, इसने मेरा सर फोड़ दिया, कमबख्त मारे तूने मुझे मार दिया। अम्मा बेगम, क्या हो गया बेगम, बताइए तो सही। हाय अल्लाह, मुझे मार दिया। अम्मा बेगम कुछ बताओगी भी कि हुआ क्या है? हाय मर गई रे, मर गई। अबू, शेख चिल्ली ने अम्मी जान के ऊपर मिट्टी डालकर अम्मी का सर फोड़ दिया। क्या उसकी ये मजाल कि हमारी बेगम का सर फोड़े? अरे शेख चिल्ली, ओ शेख चिल्ली। आया हुजूर। अबे गधे की औलाद मनहूस, तूने हमारी बेगम का सर फोड़ दिया। नहीं हुजूर, मैंने बेगम साहिबा का सर नहीं फोड़ा, मिट्टी के डले से फूट गया होगा। अरे जाहिल, तूने बेगम के सिर पे मिट्टी क्यों डाली? हुजूर, मैंने आप जानकर बेगम साहिबा के सर पर मिट्टी नहीं डाली, बल्कि इन्होंने ही मुझसे कहा था कि सिर पर मिट्टी डाल दो, जब बेगम साहिबा ने कहा था तो मैंने डाल दी, इसमें मेरी क्या गलती है हुजूर? बेगम, क्या तुमने इससे अपने सिर पर मिट्टी डालने को कहा था? क्या बताऊं जी, ये मेरे कान पर बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा था,
मैंने गुस्से से कह दिया, डाल दे मेरे सिर पे। हुजूर, बेगम साहिबा का हुक्म मानना मेरा फर्ज था, वरना आप मुझे डांटते। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, वरना मिला लो पर्चा। अगर मैंने कोई गलत काम किया है तो निकाल दो नौकरी से। अरे नहीं नहीं मियां, तुझे कौन नौकरी से निकाल रहा है? अरे शेख चिल्ली, ओ शेख चिल्ली। आया बेगम साहेबा। शेख चिल्ली, एक काम कर, कचहरी चला जा और काजी जी से कहना घर में आटा दाल चावल कुछ भी नहीं है और पैसे भी नहीं है। ठीक है जी, कह दूंगा, अभी जा रहा हूँ कचहरी। हुजूर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख चिल्ली बता कैसे आया? हुजूर घर में आटा दाल चावल कुछ भी नहीं है हुजूर, और पैसे भी नहीं है। अरे मूर्ख इतनी जोर से क्यों चिल्ला रहा है? क्यों मेरी इज्जत का जनाजा निकाल रहा है? तो फिर? अबे घर की कोई बात जोर से नहीं कहनी चाहिए, हमेशा कान में धीरे से कहनी चाहिए। ठीक है जी, आगे से कान में धीरे से कहूंगा। अब ये ले पैसे और सीधा घर जा, मैं शाम को घर आऊंगा। ठीक है जी, मैं चला। हाय अल्लाह, आग लग गई, बचाओ बचाओ बचाओ। अरे आग लग गई, अभी आग लग गई, अभी आग लग गई, अभी आग लग गई। चलो भाई चलो, चलो भाई इधर से डालो भाई, डालो भाई पानी, डालो। आग लग गई, पानी डालो। आग लग गई, आग लग गई, के घर आग लग गई है, आग लग गई, आग लग गई। ओहो, इसकी खबर हुजूर को देनी चाहिए। अरे शेख चिल्ली, अब किस लिए आया है? अरे क्या बक रिया है? अरे मेरी समझ में नहीं आया, जल्दी बता क्या बक रिया है? अरे नालायक जोर से बता। घर में आग लग गई। कहाँ? अबे कहाँ लगी घर में आग लग गई? हुजूर आपके घर में आग लग गई है। अबे मुंह जोर से नहीं बता सकता था क्या, खुसर फुसर कर रिया? हुजूर आपका हुक्म था, आपने कहा था घर की बातें धीरे से कान में कहते हैं। अबे हुक्म को छोड़, जल्दी घर को भाग। चलो हुजूर। अरे अल्लाह, मैं तो बर्बाद हो गई, मेरा सारा सामान जल गया। तुम तो ठीक हो बेगम? मैं तो ठीक हूँ जी, पर इस बेवकूफ ने घर का नाश कर दिया। तुम्हारा मतलब है शेख चिल्ली ने? हाँ जी, ये घर में लगी आग बुझाने के बजाय यहाँ से भाग और गया। क्यों बे, तू घर में आग लगी देखकर भाग क्यों गया बे? तूने आग क्यों नहीं बुझाई? हुजूर मैं कैसे बुझाता जी, मुझसे तो आग बुझानी आती ही नहीं। अरे आग बुझाने के लिए मिट्टी डालता, पानी डालता, ईंट पत्थर बरसाता। ठीक है जी हुजूर, आगे से ऐसा ही होगा। शेख चिल्ली जी। हुजूर। अरे जल्दी से मेरा गर्म पानी लिया नहाने के लिए। हुजूर पानी तैयार है जी, अब लाया। ले आया पानी आपका। अबे डाल दे मेरे ऊपर। अबे जला दिया तूने, आप मनहूस मुझे जला दिया। आग लग गई। अबे मेरे शरीर में आग लग गई। अरे मार दिया, मार दिया। हुजूर आग बुझ गई क्या? हाय अल्लाह, अरे कलमुए ये क्या कर दिया तूने? बेगम साहिबा, हुजूर के शरीर में आग लग गई थी तो मैंने आग बुझा दी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है।
हुजूर ने कहा था जब आग लग जाए तो मिट्टी डालना, पानी डालना, पत्थर बरसाना, शोर मचाना। मैंने एक भी काम नहीं छोड़ा, नहीं तो मिला लो पर्चा। इस नालायक से कैसे फन छुड़वाया जाए, इसने तो नाक में दम करके रखा है। ठीक कहती हो बेगम, शर्त के मुताबिक हम इसे निकाल भी तो नहीं सकते। अब मैं ही सोचती हूँ कोई तरकीब। बेगम ये क्या चीज लाई हो? इसी से तो फंसेगा कमबख्त। शेख चिल्ली, ओ शेख चिल्ली। जी बेगम साहिबा, कहिए। बेगम साहिबा क्या बात है? ऐसा कर, इस रोटी को खा ले और ये साबुत भी बच जानी चाहिए। जी ठीक है जी। और इस मटके के मुंह को बिना खोले ही घी पी जाओ। बस इतना सही काम है जी, इसे तो मैंने अब किया। अम्मा बेगम तुमने तो कमाल ही कर दिया। देख लो अब नहीं बच सकता। लो जी तुम्हारी रोटी भी खा ली और साबुत भी छोड़ दी, और लो बिन हम खोले मटके का घी भी पी लिया। अम्मा बेगम इसने तो तुम्हारी अकल को भी फेल कर दिया। जी सुनते हो? फरमाइए बेगम क्या बात है? मेरी मैके से भाईजान का बुलावा आया है, आपको बुलाया है। आप चले जाओ और दो चार दिन रह कर आना। ठीक है चले जाते हैं बेगम। वैसे तुम्हें छोड़कर जाने का तो मन नहीं होता, फिर भी अगर तुम कह रही हो तो ससुराल घुमाएंगे। हाँ एक काम और करना। बताओ बेगम क्या करना है? इस शेख चिल्ली के बच्चे को भी साथ ले जाना, वहाँ भाईजान के साथ काम में उनका कुछ हाथ बटाएगा, वरना यहाँ रहकर तो ये मुझे ही परेशान करेगा। ठीक है बेगम, हम इसे अपने साथ ले जाएंगे और वहाँ इसे साले साहब के खेतों में इसे खोलों के बैल की तरह काम लेंगे। इंशाल्लाह हम सुबह ही ससुराल को रवाना हो जाएंगे। Thank you.
एक बात कहूँ हुजू? हाँ बता, क्या कहना चाहते हो? आज तो आपका मिजाज ही कुछ और है। मैं क्या मतलब? मेरा मतलब है इस पोशाक में बड़े खूब लग रहे हो, इंशाल्लाह कहीं नजर ना लग जाए। अरे मियाँ, अब क्या है, जवानी में जब ससुराल जाता था तो शोर हो जाता था। अच्छा, सालियों में आपस में झगड़ा हो जाता था कि भाईजान के साथ हम नाश्ता करेंगे, मैं खाना खाऊंगी। ईमान से उस समय तो जुल्म ही ढाते होंगे। अरे मियाँ, वो एक जमाना था। हुजूर, कसर तो अब भी नहीं है। ये लहराते हुई जुल्फें आपकी, ओए होए, ये चेहरे का नूर, आय हाय हाय, आय हाय हाय, हुजूर कहर तो अब भी ढा रखा है। आय शेख चिल्ली, आज तो तू मुझे जवानी के दिन गिना रही है। चेहरे पर झुर्रियां आ गई हैं, क्या है? अब भी नूर कम नहीं है मियां। मियां घोड़ी पे चढ़ के अपनी चले ससुराल, मियां घोड़ी पे चढ़ के अपनी चले ससुराल, मियां घोड़ी पे चढ़ के अपनी। मस्त मत वाले ये तो बेगम ने डाला है काजल। काजल आंखों में डाले लगते मस्त मत वाले, काले बादल से काले सर पे लहराते बाल, काले बादल से काले सर पे लहराते बाल, मियां घोड़ी पे चढ़ के अपनी चले ससुराल, मियां घोड़ी पे चढ़ के अपनी। ससुराल जाता था ना तो सालियों की भीड़ लग जाती थी, रंग भी बादाम के माफे घोड़ी आई मांस। रंग गोरा बादामी साली होंगी दीवानी, मैं सालियों को तो बहुत ही जबर आलम है। रंग मनमानी कितना होगा ख्याल, वो तो करे मनमानी कितना होगा ख्याल, मियां घोड़ी पे चढ़ के अपनी चले ससुराल, मियां घोड़ी पे चढ़ के अपनी। तो मेरी साली है ना नूरजहां, कसम से मियां चिपक जाएगी जाते ही, शोर हो जाएगा शोर। और कितनी खातिर तवज्जो होगी ये तो हम जानते हैं मियां। अपने मेहमान आए घर में शोर मच जाए, हल्ला मच जाएगा जो बड़ी मियां। अपने मेहमान आए घर में शोर मच जाए, पूड़ी हलवा खिलाए खीर काजू डाल डाल, पूड़ी हलवा खिलाए खीर काजू डाल डाल, मियां घोड़ी पे चढ़ के अपनी चले ससुराल, मियां घोड़ी पे चढ़ के अपनी। तो मियां अब तो ऐसा लग रही है कि 4-6 महीने रुकेंगे वहां। और क्या मियां, मौज मस्ती होंगी मौज। मजे करेंगे वहीं बेगम के साथ, इस फरमाएंगे रहेंगे मजे लेंगे, क्यों नहीं मियां। कोई काम ना करेंगे महीना 4 रहेंगे, हम तो मौज करें भूपेंद्र क्या है मलाल, हम तो मौज करें भूपेंद्र क्या है मलाल, मियां घोड़ी पे चढ़ के अपनी चले
सीख चिल्ली जरा घोड़ी रोको। क्यों हुजूर? अरे हमें पखाना लग रहा है। ठीक है हुजूर, ये लीजिए। तुम यही इंतजार करो, हम अभी आते हैं। पखाना तो क्या साला, ससुराल जा रहा है, वहां खातिर तबुज्जा होगी, इसलिए खाली कर रहा है। जोमिया, घोड़े बेच रहे हो क्या? हाँ भाईजान, बेच देंगे। तो बोलो क्या दाम लोगे? एकदम 400 रुपए लेंगे। 400 रुपए? अरे भाईजान, ऐसी घोड़ी ढूंढने से नहीं मिलेगी, ये तो मैं मजबूरी में बेच रहा हूँ। ठीक है मियाँ, हम तुम्हें घोड़ी के 400 रुपए ही दे देंगे। और 400 रुपए एक साथ ही? एक शर्त और है। शर्त बताओ मियाँ, क्या शर्त रखोगे? शर्त ये है कि 400 रुपए में इसकी दुम नहीं दूंगा। ठीक है मियाँ, मंजूर है, दुम का हमें क्या करना। अब इस काजी के बच्चे को क्या बताऊंगा कि घोड़ी कहाँ चली गई। बन गई बात। चल दिया। शेख चिल्ले, अबे शेख चिल्ले। हुजूर मैं यहाँ हूँ, जल्दी आइए आप। पता नहीं क्या हो गया इसे। अरे ये क्या कर रहा है? हुजूर ये वक्त सवाल पूछने का नहीं है, जल्दी लग जाइए आप। अरे क्या कह रहा है मनहोर? हुजूर घोड़ी को चूहे खींच कर ले गए। अब ये जनासी दुम बाहर है, चूहे अंदर खींच रहे हैं और मैं बाहर से खींच रहा हूँ, जल्दी लग जाइए वरना चूहे घोड़ी को खींचने में कामयाब हो जाएंगे। हुजूर खींचने में कामयाब हो जाएंगे। अरे ये क्या कर दिया तूने नालायक? ये लो हुजूर। आखिर चूहों ने हम पर फतेह कर ही ली, ये घोड़ी की दुम उखड़कर हमारे हाथ में रह गई है। कहीं घोड़ी को चूहे खींच कर ले जा सकते हैं? भला और ना घोड़ी चूहे के बिल में आ सकती, ये तो मेरा बेवकूफ बना रिया। क्यों बे पाजी, मुझे बेवकूफ बना रिया? घोड़ी को बेचकर उसकी दुम काट कर चूहे के बिल में घुसा दी और मुझसे कह रिया कि चूहे घोड़ी को बिल में खींच कर ले गए। अबे तुझे अपने यहां नौकरी पर रखकर मैंने बड़ी ढोल की है, पता नहीं तुझसे मेरा फंद कैसे कटेगा। हुजूर नाराज क्यों हो रहे हो? बेशक आप हमें आज ही नौकरी से निकाल दीजिए। ये लीजिए शर्त का पर्चा, दीजिए हमारी 1 साल की तनख्वाह और कटवाइए अपने नाक कान। अरे मियां, हम तुम्हें नौकरी से कहां निकालते हैं भाई। तो फिर आप तो जरा सी बात का बतंगड़ बना रहे हो, इतने बड़े आदमी होकर ऐसी छोटी छोटी बातों पर ध्यान दे रहे हो। तुम ऐसी 10 घोड़ी खरीद लो। लेकिन अब ससुराल कैसे जाएंगे? हुजूर इसमें सोचने की क्या बात है, रास्ते में बहुत गांव पड़ेंगे, खरीद लेंगे कहीं से ऐसी एक और घोड़ी और पहुंच जाएंगे ससुराल। अबे शेख चिल्ले, ससुराल का मामला है, जरा अकल से काम लेना, कोई उल्टा सीधा मत कर देना, ठीक है? और सुन, खाने में मेरे लिए हलवा पूरी रसगुल्ले वगैरह वगैरह बनवा लेना, और तू अपने लियो मूंग की दाल का पानी, तेरे लिए वही ठीक रहेगा। अच्छा तू तो माल उड़ाएगा, और मेरे लिए दाल का पानी,
मैं भी देखता हूँ कैसे हलवा पूड़ी खीर रसगुल्ले खाएगा। अरे भाई जान आ गए। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम अस्सलाम। आइए भाई जान बैठिए। अरे सुनाओ मियाँ, कैसी कट रही है? बस भाई जान, अल्लाह का करम है। और खेती बाड़ी कैसी चल रही है? अल्लाह के फजल से सब कुछ ठीक ठाक चल रही है भाई जान। भाई जान खाने में क्या क्या लेंगे? ये काम तो हमारा शेख चिल्ली बता देगा, इसी से पूछ लो। मियां शेख जी बताइए खाने में क्या क्या बनवा दूं? ऐसा करो भाई जान, हुजूर की पिछले 2 महीने से तबीयत खराब चल रही है। हकीम जी ने बहुत बड़ा परहेज बता रखा है और कहा है अगर परहेज टूट गया तो बचेंगे नहीं। अच्छा? हाँ, इसलिए इनके लिए केवल मूंग की दाल का पानी बनवा देना और कुछ भी नहीं। जी ठीक है मियाँ, और आपके लिए क्या बनवा दूं? अजय भाई जान, ज्यादा तकल्लुफ करने की जरूरत नहीं है, हमारे लिए तो खीर पूड़ी हलवा रसगुल्ले वगैरह वगैरह बनवा देना। जी ठीक है, अभी अम्मी जान से कहकर सारा सामान तैयार कराए देता हूँ। बिल्कुल, खाने का वक्त भी हो रहा है। और हाँ, अगर हुजूर दाल का पानी नहीं पीने से मना करें तो जबरदस्ती पिला देना। ठीक है जी। अरे शेख चिल्ले। जी हुजूर। अरे खाने के लिए जो हमने तुमसे बताया था तूने वो ही बताया है क्या? हुजूर मैंने सब कुछ बनवा दिया है। ये कमबख्त तो खाने के लिए भी कुछ भी नहीं लेकर आया, पेट में चूहे कूद रही है। हुजूर जितनी भूख ज्यादा लगती है खाने में उतना ही ज्यादा मजा आता। अबे तो भूख के मारे मेरा तो दम निकल रहा। ये लीजिए भाईजान। ए मियाँ, ये खाना हमारा नहीं, ये तो शेख चिल्ली का है, इसे ही पिला दो। नहीं नहीं भाईजान, हमें मालूम है पिछले 2 महीने से तुम बीमार चल रहे हो, तुम्हारा परहेज चल रहा। मूंग की दाल का पानी बनवा दिया, आपकी खिदमत में प्रस्तुत है। नहीं नहीं मियाँ, हम ये पानी नहीं पी सकते। भाईजान ये तो आपको पीना ही पड़ेगा। शेख मियाँ जरा भाईजान के हाथ तो पकड़ो। लो जी लो भाईजान, हम तो हुजूर की सेवा के लिए ही हैं। अरे नालायक, क्या करवा रही है मेरे साथ? हुजूर परहेज का मामला है, अगर परहेज बिगड़ गया तो गड़बड़ हो जाएगी। अरे परहेज के बच्चे, अरे शैतान की औलाद, ये पकड़ो जी पकड़ो। किस जन्म का बदला ले रहा है मुझसे? लो मियाँ, आप भी खाना खा लो। लाओ भाईजान हमारे लिए। हुजूर ने खा लिया, अब हम भी खा लेते हैं। अबे इतना सारा माल। लो मियाँ, ये तो अल्लाह का करम है, किसी के नसीब में सिर्फ दाल का पानी और किसी के नसीब में ढेर सारे पकवान। और क्या लाऊं मियाँ? भाईजान थोड़ी सी खीर और ले आओ। अभी लाया। Thank you.
ये लीजिए मियाँ। अरे 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 भाईजान थोड़ी सी बस। और ले लो, क्या हो गया? बस जी बस। अबे शेख चिल्ली, बे शेख चिल्ली, अबे शेख चिल्ली, अबे शेख चिल्ली, अरे कम्बख्त इतनी गहरी नींद में सो रही है, अबे उठो, नहीं उठो, नहीं हुजूर, मुझे सो जाने दो, अरे उठो जरा। ओहो क्या बात हो गई, अब आधी रात को भी कौन सी आफत आ गई? अबे मियां मेरे पेट में दर्द हो रहा है। तो मैं कोई नीम हकीम हूँ, सुबह दवा ले लेना। अबे सुबह तक तो सारा मामला निगर जाएगा, मुझे बहुत जोर से पखाना लग रहा है। इतना क्यों खा लेते हो? मान लिया खाना पराया है, पर पेट तो अपना है, पेट तो पराया नहीं। अबे बातें ना बना, मेरे साथ चल, मुझे पखाना करा ला। क्या? नहीं नहीं हुजूर, मैं नहीं जा सकता, ये मेरा तय नहीं हुआ था। मिला लो पर्चा। ये नालायक नहीं जाएगा, मुझे बता। अबे अब मैं क्या करूं, मामला बेकाबू होता जा रहा है। ऐसा करो, इस मटके में कर लो, सुबह होते ही जंगल में फेंक दिया जाएगा। चलो मियां, कपड़े खराब होने से तो यही बेहतर है। हो गई तसल्ली? अबे चैन पड़ गया। शेख चिल्ली, ओ शेख चिल्ली, अबे मनहूस खड़ा हो जा, अबे दिन निकल रहा है, खड़ा हो जा। अब क्या हुआ भाई? ऐसा है, दिन निकल रहा है, जल्दी से इस मटके को जंगल में फेंकिया। क्या हुजूर, ये काम मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। अबे मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा। ठीक है ठीक है, चलो कर लो हिसाब, मेरी एक साल की तनख्वाह और नाक कान दे दो, मिला लो पर्चा। अरे भाई नाराज क्यों हो रहा है? कोई बात नहीं, तू मत जा, इसे हम ही फेंकाते। तू तो ऐसे ही घबरा रही है, जैसे हमारा पखाना तुझे खाट खाएगा। भाईजान भाईजान, गजब हो गया। क्या हुआ मियां? हुजूर नाराज होकर चले गए। हैं? हाँ, तुम जल्दी से जाकर उन्हें मना कर लेवा लाओ। ठीक है मियां, हम अभी जाते हैं।
भाईजान भाईजान रुक जाइए भाईजान भाईजान ऐसे मत जाइए भाईजान भाईजान ऐसे मत जाइए भाईजान भाईजान रुक जाइए ऐसे मत जाइए। अरे मिया हम जा नहीं रहे, तुम चलो हम अभी आते हैं। नहीं नहीं भाईजान आप हमसे नाराज होकर जा रहे हो, चलिए ना। अरे मिया हमारी बात सुनो। हम कोई बात नहीं सुनेंगे भाईजान, आपको हमारे साथ वापस चलना ही होगा। अरे सुनो मिया सुनो। नहीं मिया सुनो। अरे नहीं। अरे मिया सुनो तो वापस चलो। अरे मिया सुनो भाईजान। अरे सुनो मिया चलो ना। अरे सुन लो मिया। अरे चलो। अरे सुनो तो। अरे नहीं सुन लो। ये क्या ये तो पखाना। मिया रात पेट खराब हो गया था। भाईजान घर में संडास तो था, आप वहीं कर लेते। क्या बताऊं मिया, इस सेखे बच्चे ने मेरा जीना मुश्किल कर रखा है। लेकिन भाईजान वो तो आपका नौकर है। अरे मिया ये मेरा नौकर नहीं, ये तो दुश्मन है। अच्छा वो कैसे। अच्छा भाईजान इतनी बड़ी शर्त है। हाँ इससे बचने का एक रास्ता तो है भाईजान। अरे मियां बता दो, मैं तुम्हारा एहसान कभी भी नहीं भूलूंगा। हाँ मियां क्या तरकीब है, हम आज ही घर पहुंचकर ऐसा करते हैं। बेगम शेख चिल्ली से बचने का रास्ता तुम्हारे भाईजान ने हमें बता दिया है। अच्छा जरा बताओ तो मैं भी तो सुनूं। वाह भाईजान ने क्या तरकीब निकाली है। तुम ऐसा करो बेगम, एक बक्से में हमारे और खलील के कपड़े रख लो, इसे बिना बताए तुम्हारी खाला क्या निकल जाएंगे। ठीक है जी। ये नामुराद दो चार दिन में भूखा प्यासा रहेगा, फिर अपने आप हमारा घर छोड़कर भाग जाएगा, हमारे पैसे भी बच जाएंगे और हमारे नाक कान भी महफूज रहेंगे। कल सुबह जल्दी ही इसे सोता हुआ छोड़कर चले जाएंगे। हो गई ना सब तैयारियां बेगम। सब तैयारियां हो चुकी हैं। सुबह ढूंढता रह जाएगा मनहू। कमबख्त मारा जाने कहां से हमारे गले पड़ गया। जाने कहां से हमारे गले पड़ गया, जीना मुश्किल कर दिया था। अम्मी अम्मी अब मैं भी बिस्तर में पखाना नहीं करूंगा, शेख चिल्ली हमें ढूंढ ही नहीं सकता। अरे वो क्या, उसका तो बाप भी हमें नहीं ढूंढ पाएगा। बेगम तुमने इस बक्से में कितना सामान भर लिया, इसमें तो बहुत वजन हो रहा। नहीं जी
इसमें कपड़ों के सिवा मैंने कुछ और रखा ही नहीं है। बेगम, कपड़ों में तो इतना वजन तो नहीं है, ये तो चलना ही मुश्किल कर रहा है मेरा। जरूर तुमने गलती से इसमें कुछ भारी सामान भर दिया है बेगम, जरा इसे उतार कर देखो। वैसे मैंने कोई भारी सामान तो इसमें नहीं रखा, फिर भी अगर आप कहते हैं तो चलिए देख लेते हैं। इसमें से फालतू का सामान यही निकाल लो। पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, पर्दा जो खुल गया तो भेद खुल जाएगा। अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। हुजूर आदाब, बेगम साहिबा आदाब। अरे तू क्यों हमारी जान का दुश्मन बन रहा है, हमारा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहा मियां? हुजूर हमारा हिसाब कर दीजिए, हमारी एक साल की तनख्वाह और अपने नाक कान कटवाइए। देखो भाई, तुम इनका नहीं तो मेरा तो ख्याल करो, मैं तो तुम्हारी बहन जैसी हूँ ना, तुम मेरे कहने से मान जाओ भाईजान। बेगम साहिबा, आप मुझसे कह रही हो, क्या कभी तुमने इनसे भी कहा है इन्होंने बेगुनाह लोगों पर कैसे कैसे जुल्म किए हैं? मियां से एक चिल्ली, तुमने मेरी आंखें खोल दी, मेरी तोबा, मेरे बाप की तोबा, अब मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। अब तो मान जाओ भाईजान। तो ठीक है, हमारी एक साल की तनख्वाह हमें दे दो, हम बिना नाक कान काटे ही चले जाएंगे। हाँ हाँ भाईजान, तुम एक साल की नहीं 2 साल की तनख्वाह ले जाओ। अम्मी ने कहा था कि अपने मालिक के साथ पूरी ईमानदारी से काम करना। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। अरे मियाँ, तुम यहीं बैठे हो? अरे भाई, मुझे कम से कम अपनी अम्मी से तो मिलाने दो, कुछ पैसे पहुंचाने हैं ना। अच्छा तो हम चलते हैं। फिर कब मिलोगे? जब तुम कहोगे। कहाँ? वहीं सोनोटेक के शेख चिल्ली भाग 3 में। अच्छा तो हम चलते हैं। खुदा हाफिज़।